मैं हूं शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। बिहार में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां नीति नियंता बैठते हैं, जहां पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां अपराधियों में तनिक भी खौफ नहीं रह गया है। इसी का नतीजा है कि राजधानी के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में घुसकर युवक की हत्या कर दी। घटना को अंजाम रविवार रात 8:30 बजे के बीच दिया गया है। अपराधियों ने पत्नी के आंखों के सामने ही उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पत्नी बदहवास है। इतना ही नहीं, हथियारबंदों ने दुकान के स्टाफ सचिन कुमार के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया है। मृतक की पहचान कुम्हरार निवासी मनीष के रूप में की गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ज्वेलरी शॉप में मनीष की वाइफ खुशबू जॉब करती है। हर रोज की तरह मनीष अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए खुद आया था। वो मनीष के साथ निकल ही रही थी कि पिस्टल और चाकू से लैस दो अपराधी शोरूम में घुसकर पहले तो खुशबू को कब्जे में ले लिया, इसके बाद लूटपाट की। अपनी पत्नी को अपराधियों के कब्जे में देखकर मनीष को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अंदर चला गया। फिर अपराधियों को लगा कि वे पकड़े जाएंगे, उन्होंने मनीष के जबड़े में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे राजेंद्र नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एएसपी सदर संदीप सिंह ने शोरूम में लूट की पुष्टि की है। कितने की लूट हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीटीएसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी खुद वारदात स्थल पर जांच करने पहुंच गए हैं। काफी संख्या में पुलिस बल सुराग खगालने में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। लूट घुसा था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि एक महिला जो यहाँ पे स्टाफ का काम करती है, वो महिला अंदर ही थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको लेने आए थे। तो जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया कि अंदर लूट का घटना हो रहा है या उनके मिसेज अंदर हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि उनको बचाने का एक इंस्टिंक्ट हर बंदे के अंदर होता है, किसी के लड़के का भी हो। तो जैसे ही वो घुसे तो उनमें से जो एक अपराधी था वो गेट के बगल में था, और जैसे ही गेट के बगल में था वो गेट उसको लगा, वो इम्बैलेंस होके गिरने लगा, और उसको इंटरप्रेट हुआ कि ये मेरे को जो है पकड़ लेंगे या मार देंगे या इस टाइप से विफल हो जाएगा वो। तो उसके बाद एकदम से उसने उसको फायर कर दिया, जिसके क्रम में जो है उनके हस्बैंड थे, जो महिला स्टाफर थी, उनके हस्बैंड को गोली लग गई, और इलाज के क्रम में उनको फटाफट राजेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या अभी जो है मनीष नाम है उनका, और बताया जा रहा है कि वो कुम्हरार साइड के रहने वाले हैं। महिला का नाम खुशबू कुमारी बताया। गोलियां चली हैं, गोली जो उनको लगी है एक बताया जा रहा है, बाकी की पुष्टि जो है घटना की हम लोग कर रहे हैं। इससे दो की संख्या में थे लड़के, यंग लड़के हैं, और बाकी की जो अनुसंधान में मेरे पास आता है मैं आपको अप टू डेट दे दूँगा। इनका जो सामान बना ये बेचते हैं फैशन ज्वेलरी, अभी उसका कितना लूट हुआ है या क्या लेके गए हैं उसका आंकलन हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपराधी, ये आपको नहीं लगता प्रारंभिक जानकारी आर्टिफिशियल है कि सब सोने के सामान समझ सोने के सामान समझ डेट जो है हमको अनुसंधान कर रहे हैं। दीजिए जो भी है आपको आपके समक्ष रख दिया जाएगा, जैसी घटना का डिटेक्शन होता है या जो भी प्रोग्रेस होती है आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर दीजिए। क्या हुआ कि हमारे भाई सचिन कुमार यहाँ काम करते हैं, ठीक है, वो कैश काउंटर पे थे, तो दो लोग घुसे अंदर, और घुसने के बाद मेरे भैया ने पूछा कि क्या चाहिए सर, तो लोग बंदूक दिखा के बोला कि चुपचाप से बैठो, हमको जो करना है कर लेंगे। उसके बाद एक और लेडीज़ थी काम करती है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो उनके हस्बैंड उनको रिसीव करने आए थे यहीं पर, ठीक है। तो जैसे ही अंदर कुछ एक्टिविटी देखे तो उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, उन पर गोली चला दिया, तो उनकी डेथ हो गई। राजेश्वरी हॉस्पिटल में भी लाश पड़ा हुआ है। क्या नाम था? मनीष कुमार नाम था उनका। मनीष कुमार जी कर गया जी, और राजेश्वरी हॉस्पिटल में लाश पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी यहाँ काम करती है? हाँ, उनकी पत्नी यहाँ पर काम करती है। अपराधियों के द्वारा मार दिया गया? जी जी, अपराधियों के द्वारा, दो लोग थे जी। अभी अब कैची से आए थे, ये तो सीसीटीवी ले भी गए हैं, लूट पार करके ले गया है, सामने डिस्प्ले में का सारा सामान लेकर गया है। हाँ, बाइक से थे। एक लोग ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बंदूक देख के वो डर गए। अमीर जी के अलावा किसी को नहीं, हमारे भैया सचिन कुमार का माथा फाड़ दिया गया है सर। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।